दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी जॉब के तलाश कर रहे हैं और एक सरकारी जॉब अच्छा करना चाहते हैं, तो अब आप अपने गांव में ही रहकर एक सरकारी अच्छा जॉब कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली आ चुका है डीलर का वैकेंसी। जो कि अगर आप भी डीलर बनना चाहते हैं अपने गांव में, अगर आपके गांव में डीलर नहीं है तो फाइनली अब आप डीलर बन सकते हैं। डीलर का वैकेंसी जो कि राज्य सरकार ने जो कि जारी कर दिया गया है, जो कि इसका आ चुका है। अगर आप भी डीलर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप घर पर ही रहकर आप एक सरकारी नौकरी कर सकते हैं। डीलर का वैकेंसी आ चुका है। अगर आप भी डीलर में जाना चाहते हैं, डीलर का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इजीली भर सकते हैं, क्योंकि डीलर का वैकेंसी जो कि निकाल दिया गया है। क्या इसका योग्यता है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, कितना पैसा देना है, कितना चार्ज लगेगा, क्या क्या योग्यता चाहिए, सब इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। लाइव मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वैकेंसी आ चुका है। ये ऐसा वैकेंसी होता है, बहुत सारे काफ़ी टाइम के बाद आते हैं, और ये जो कि ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस वैकेंसी को, जो कि ये गुप्त वैकेंसी आता है, सभी को पता नहीं होता है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, क्या क्या इसको लगेगा। जो कि अब अगर आप भी सरकारी एक जॉब करना चाहते हैं, तो डीलर वैकेंसी फाइनली आ चुका है, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सब बताऊंगा। हम यहाँ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये बोल रहा है, देखिए, बिहार डीलर भर्ती 2022 इन जिले में निकाली भर्ती, जल्दी करें आवेदन। यानी 2022 में फाइनली डीलर का वैकेंसी बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये वैकेंसी आ चुका है, अब इसे आप भर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं पूरे अच्छे से, बिहार राशन डीलर भर्ती 2022 खाद्य उपभोक्ता सुरक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा में अगले 3 महीने में अनुमंडल 6000 से ज़्यादा पदों पर राशन डीलर की बहाली होने वाली है। इस कड़ी में पटना सदर अनुमंडल पटना में भर्ती आ चुकी है। इस पोस्ट में हम जानेंगे कि राशन डीलर बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, कैसे पता करें कि आपके अनुमंडल में भर्ती कब आएगी। देखिए, फाइनली आप देख सकते हैं, आपको कितना देख सकते हैं, अब इसमें क्या आपको योग्यता है, क्या इसमें आपको सैलरी है, सब बताने वाला हूँ। इसमें क्या पहले डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए हम डॉक्यूमेंट को जान लेते हैं। देखिए, आवेदन की योग्यता, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से आपका बेसी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट न्यूनतम वर्ष आपको 18 वर्ष चाहिए। और न्यूनतम सक्षम योग्यता मैट्रिक पास आप होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तभी आप एलिजिबल हैं, जो कि इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका जो कि मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले को आवेदन को प्राथमिक दी जाएगी। अगर आपके पास कंप्यूटर की कुछ जानकारियाँ है तो आपको ये जो कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं किए होंगे तो आप कंप्यूटर का मार्कशीट अगर कर सकते हैं, तो इसे आप कंप्यूटर का मार्कशीट बनवा कर और इसे जमा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद और आपको चाहिए कंप्यूटर, आपको ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी मोड़ी होनी चाहिए, सभी को होते हैं आजकल, किसी में ये नहीं है कि नहीं होगा। कंप्यूटर ज्ञान की समांतर होने पर अधिक संरक्षण योग्यता को प्राथमिक दी जाएगी। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी होगी तभी आपको दी जाएगी। समान संरक्षण योग्यता की स्थिति में अधिक प्रताक वाले को वणीय दी जाएगी। समान संरक्षण योग्यता की समान होने पर अधिक उम्र वाले को वरीदाता दी जाएगी। अगर आपके पास उम्र भी अधिक है तभी आपको दी जाएगी, यानी मैक्सिमम 18 वर्ष से चलेगी। चलिए और जान लेते हैं क्या क्या इसमें लगेगा। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ फाइनली आ चुका है, 10th का मार्कशीट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आपका आचरण सही है कि नहीं सही है, आप में कोई केस मुकदमा या तो कोई दर्ज नहीं है, वो आपको चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि एसपी के से बनता है, वहाँ से आपको निवास चाहिए, जाति आय आपको चाहिए, ये आपको आधार कार्ड पासबुक, ये आपको अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको इतना ये डॉक्यूमेंट को आपको बना कर रख लेना है। आपके सभी जिले में ये वैकेंसी दे चुकी है, ये गुप्त वैकेंसी रहती है, इसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाती है डीलर के लिए कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है, मतलब कौन नहीं आवेदन कर सकता है इसके लिए। देखिए, एक ही परिवार के दो योग्यता यानी दो लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद निर्वाचक सदस्य अपने कार्य में कार्यरत आवेदन नहीं कर सकते हैं, जैसे मुखिया, पंच, वार्ड। अगर आपके घर में मुखिया, वार्ड, सरपंच है तो आप ये वैकेंसी नहीं भर पाइएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
उसके बाद आपको आटा चक्की मिल नहीं होना चाहिए, तभी आप इस आवेदन को कर सकते हैं। आवेदन करने की अनुमति नहीं है अगर आपके पास चक्की आटा मिल है तो। सरकार ये आपको दिवालिया चुकित मूल्य की दुकान दी जाएगी आपको। सरकारी पदों के कार्यायुक्त, अगर आप सरकारी कोई पद हैं या कोई दुकानदार आपका है जो कि बड़ा से बड़ा बिजनेस है, तो आपको ये नहीं दिया जाएगा। वैसे वस्तु 1955 के अनुसार यानी किसी भी आपराधिक मामले में नियुक्त सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान दी दुकान की सदस्य नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कोई अगर केस या मुकदमा हो तो वो आपको डीलर ये नहीं दी जाएगी। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफलाइन ही अपने अनुमंडल के आवेदन जमा करना पड़ता है। राशन डीलर बनने के लिए अलग अलग जिलों के अनुसार नोटिफिकेशन जारी होता है। जैसे ही जिलावार नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा तो आपको इस वेबसाइट पर पे पब्लिक कर दी जाएगी। आपको अपने ही अनुमंडल में फॉर्म को भरना होता है या आप भी अपने जिला या ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में निरंतर चेक कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, ये कह रहा है कि अगर ये फॉर्म आप ऑफलाइन ही भर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म को फिलअप करना हो, भरना हो, तो आप अपने ब्लॉक में ही जाकर जमा करना होता है, क्योंकि ये गुप्त वैकेंसी आता है, किसी को पता नहीं चलता है। ये आपको ऑफलाइन नहीं जमा कर सकते हैं, सॉरी ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं। अब चलिए इसमें जानते हैं क्या इसमें पैसा आपको देना है। चलिए पैसा के बारे में हम जान लेते हैं कि कितना इसका फी लग रहा है। आपको ये पैसा कितना मिलना है, जिला स्तरीय चयन समिति के उपरांत चयनित आवेदन को ₹1,000 आपको देना होगा कि ट्रेजरी चलान के माध्यम से अनुपस्थित शुल्क जमा करने के अपराध संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सह ये आपको ₹1,000 जमा करना होगा, तभी आपका ये जो कि वैकेंसी आप भर सकते हैं ऑफलाइन, आपको इसको आपको जमा करना होगा, तभी आपका ये जो कि होगा 10th पास पर। इस पर आपको कोई एग्जाम कोई नहीं देना है, आपको डायरेक्टली जाकर और फॉर्म को फिलअप करना है और डायरेक्टली आपका चयन होगा, सूची में नाम आएगा, आपका ये सिलेक्शन हो चुका है। तो आप इसी तरह डीलर का फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारी दी जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।